दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि वाईफाई क्या है और ये कैसे काम करता है तो आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि वाईफाई कैसे काम करता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान बात। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि वाईफाई कैसे काम करता है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। जी नहीं दोस्तों, वाईफाई की कोई फुल फॉर्म नहीं है। वाईफाई एक ग्लोबली रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है। और आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आपकी घर आने वाली इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी तो सभी के घर बराबर जाती है, चाहे उसमें यूज करना हो चाहे ना करना हो, उसके घर इलेक्ट्रिसिटी जाती है। पर वाईफाई में ऐसा नहीं होता। वाईफाई थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें आपको अगर आप कोई वेब पेज इस डिवाइस में खोलना चाहते हैं तो वो वेब पेज इसी डिवाइस में खुलेगा, दूसरे डिवाइस में वो वेब पेज नहीं खुलता। जैसे मान लो आपके पास कोई एक वाईफाई राउटर है, यानी कि एक ऐसे डिवाइस जो रेडियो वेव्स को भेजता है, चाहे वो रेडियो वेव्स 2.5 गीगाहर्ट्ज़ की फॉर्म में हो या 5 गीगाहर्ट्ज़ की फॉर्म में हो, वो डिवाइस रेडियो वेव्स को भेज रहा है। और दूसरा डिवाइस जो रेडियो वेव्स को कैप्चर कर रहा है या उन्हें रिसीव कर रहा है, वो हो गया आपका डिवाइस जिसमें वाईफाई काम कर रहा है। तो ये हो गई वाईफाई की प्रोसेस। डिवाइस जो रेडियो वेव्स को सेंड कर रहा है और दूसरा रेडियो वेव्स को रिसीव कर रहा है, ये हो गई जो भेज रहा है वो हो गया आपका वाईफाई राउटर, और जो रिसीव कर रहा है वो हो गया आपका वाईफाई डिवाइस। तो आप सोच रहे होंगे कि हम जो फाइल इस राउटर के जरिए इस मोबाइल में भेजते हैं तो वो फाइल दूसरे मोबाइल में क्यों नहीं जाती। इसका एक सीधा सा कारण है, क्योंकि वो जो राउटर है वो सभी जो कनेक्टेड डिवाइस है उन्हें एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए वो देखता है कि ये फाइल इस आईपी एड्रेस में भेजनी है। तो वो फाइल सिर्फ उसी आईपी एड्रेस पर जाती है, दूसरे आईपी एड्रेस पर नहीं जाती। जैसे कि हम कोई वेब पेज इसमें खोलते हैं, मान लो हमने कंप्यूटर ए में खोला फेसबुक खोला और कंप्यूटर बी में हमने खोला गूगल, तो वो सिर्फ गूगल वेब पेज उसी कंप्यूटर में खुलेगा और फेसबुक सिर्फ ए कंप्यूटर में ही खुलेगा। क्योंकि आपका वाईफाई है वो इन्फॉर्मेशन आगे से लेता है और उसी आईपी एड्रेस पर भेजता है जिसमें हमने उसे खोलने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। ये वाईफाई की प्रोसेस हुई। वाईफाई हमेशा काम करता है आईपी एड्रेस पर, जिसके कारण कि एक फाइल को दूसरे डिवाइस में नहीं भेजती। मान लो आपने कोई मोबाइल में से फाइल शेयर की आपके पीसी पर वाईफाई के जरिए, तो वो फाइल उसी पीसी पर जाएगी जिस पर आपने भेजी है, ना कि दूसरे पीसी पर, क्योंकि आपने उसी पीसी के आईपी एड्रेस पर उसे भेजा है। मगर आपको देखते हैं कि वहाँ पर कोई आईपी एड्रेस लिखा हुआ ही नहीं था। जी नहीं, वहाँ पर आईपी एड्रेस लिखा हुआ नहीं होता, मगर उसमें बैकग्राउंड में आईपी एड्रेस होता है ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें, इसलिए आपको वहाँ पर सिर्फ नाम दिखाया जाता है, आईपी एड्रेस नहीं। ये होती है वाईफाई की प्रोसेस। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको पता चल चुका होगा कि वाईफाई कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।